ओम नमो नारायण। मैं अरुणाबेन पी गोस्वामी सूरत से आपका स्वागत करती हूँ अरुष किचन हिंदी में। आज हम बनाएंगे गुजरात का ट्रेडिशनल खीचू। खीचू बनाने के लिए ये हमने चावल का आटा लिया है एक कप, ये एक कटोरी है, और ये हमने ली है हरी मिर्च, दो से तीन हरी मिर्च हमने काट लिया है। नमक चाहिए हमें स्वाद अनुसार, और एक चम्मच हमने जीरा लिया है, और ये लिया है हमने अचार मसाला, ये मेथिया मसाला आता है अचार का, इसके साथ सर्व किया जाता है इसको। और तेल चाहिए हमें, तेल हमने मूँगफली का लिया है, और पानी चाहिए। तो अब हम खीचू बनाएंगे। तो ये हमने एक भगोना लिया है, तो जितना हमें आटा लिया है चावल का, इससे तीन गुना पानी चाहिए हमें। ये कटोरी माप से हम पानी लेंगे, तो इसमें हम तीन कटोरी पानी डालेंगे, क्योंकि चावल का आटा पानी बहुत पीता है। ये तीन, अब हम गैस चालू कर देंगे और इसमें हम ये मिर्ची डाल देंगे। और हम इसमें नमक डाल देंगे और ये हम ये जीरा डाल देंगे। इसको हाथ से थोड़ा क्रश करके डालेंगे। इस तरह से। और इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, दो चम्मच जितना। अब ये पानी को हम एकदम उबलने देंगे। ये खीचू हम खाने के लिए बना रहे हैं, तो इसमें हम जो पापड़ खार आता है वो नहीं डालते। अगर आपको पापड़ के लिए बनाना है तो इसमें पापड़ खार डालना पड़ता है, तो ये हम खाने के लिए बना रहे हैं। ये पानी अपना उबल गया है, इस तरह से एकदम उबलना चाहिए। कम से कम इसको हमें 3 से 4 मिनट उबलना है पानी को, इस तरह से। अब इसमें हम ये चावल का आटा डालेंगे, तो थोड़ा थोड़ा डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे हम, इस तरह से। इस तरह से हम पूरा मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करना है। इस तरह अब इसको हम गैस थोड़ा कम कर देंगे और इसको थोड़ी देर ढक के पकाएंगे, एकदम कम आंच पे। दो मिनट हो गई है, तो अब हम इसको देख लेंगे। इसको थोड़ा हिला लेंगे। अब हम इसको नीचे उतार लेंगे, गैस बंद कर देंगे। और गर्मा गर्म सर्व करेंगे।
इसके ऊपर हम ये मसाला डालेंगे मेथी वाला, इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। इसके ऊपर हम ये मूंगफली का तेल डालेंगे। तैयार है अपना गुजरात का ट्रेडिशनल खीचू। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना। कमेंट करके कहना आपको कैसा लगा है गुजरात का ट्रेडिशनल खीचू।